हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास रेमेडी लेकर आई हूँ कि आप किस तरीके से अपने बालों को लंबा घना मोटा कर सकते हैं इस जादुई नुस्खे के साथ। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये इतना कारगर है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो आपके जो बाल है वो घुटनों तक लंबे हो जाएंगे सिर्फ कुछ ही दिन के इस्तेमाल से। क्योंकि इसके अंदर जो हम ये चीज इस्तेमाल करेंगे ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि इनके अंदर बालों के ही पोषक तत्व इनमें छुपे हुए हैं, जिससे कि आपके बाल जो है वो बहुत ही खूबसूरत लंबे होंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन के इस्तेमाल से। आपका सपना पूरा होगा कि आपके बाल लंबे हो गए हैं, बहुत ज्यादा घने हो गए हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आपसे बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई आपकी नई वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत मिल जाए। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आप दो चीजें देख रहे हैं। पहला यहाँ पे है मेथी दाना, ये हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होती है, इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है एक पाउडर आप देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स ये पाउडर काली कलौंजी का पाउडर है, ब्लैक क्यूमिन सीड्स का। तो यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बना लिया है, तो आपको वो साबुत नहीं लेनी है, उसका पाउडर बना के आपको लेना है और ये आपको साबुत ही लेनी है और इसका पाउडर आपको बना लेना है। क्योंकि ये गर्म होने के बाद फूल जाती है जिससे इसकी सारी प्रॉपर्टी पानी में मिल जाती है, लेकिन जो ये कलौंजी होती है ये अच्छे से पानी के अंदर इसके अच्छे से गुड़ नहीं मिक्स होते क्योंकि ये ऐसी ही रह जाती है, इसके सारे गुड़ जो होते हैं वो अंदर होते हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पीसने के लिए आपको बोल रही हूँ कि आप इसको पीस कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको 2 चम्मच मेथी दाना लेना है और 2 चम्मच ये आपको काली कलौंजी का पाउडर लेना है और उसके बाद आपको 1.5 गिलास पानी में बॉईल करने के लिए रख देना है, यानी कि बॉईल आपको 3 से 4 मिनट तक करना है जब तक कि पानी का कलर चेंज नहीं हो जाता। आपको थोड़ा ब्राउन कलर का आपको पानी का कलर दिखेगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पानी को बॉईल कर लिया है और मैंने यहाँ पे पानी आपको कम बॉईल करके दिखाया है क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको दिखाना है कि आपको किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेथी दाना है वो यहाँ पे मोटा आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हैं मेथी दाना अच्छे से बॉईल हो चुका है इसकी जो, और इसको आपको छानने से पहले इसको अच्छे से इस तरीके से कर लेना है। और अब हम इसको फ्रेंड्स स्ट्रेन कर लेना है जब ये ठंडा होने लगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमने मेथी दाना निकाला है इसका पेस्ट बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बनाना कैसे है, आपको मेथी दाना को मिक्सी के अंदर ग्राइंडर करना है और ग्राइंडर करने के बाद आपको इसमें 2 से 3 चम्मच कर्ड मिलानी है यानी कि दही, और उसके बाद आप इसको अपने बालों की लेंथ में और जड़ों में इसको अच्छे से लगा लीजिए हेयर मास्क की तरह, और जहाँ पर आपके 2 मुखे बाल हैं वहाँ पर भी आप इसको लगाइए क्योंकि 2 मुखे बालों से मेथी दाना निजात दिलाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस पानी को अलग निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर देंगे। और इसको मिला लीजिए अच्छे से। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आप इसको किसी स्प्रे बॉटल में करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों की जड़ों में इसको आप इसको लगा सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट बालों में भी लगा सकते हो। तो वो आपको नहाते वक्त लगाना है, नहाते वक्त आपको इस तरह लगाना है जब आप अपने बालों को अच्छी तरीके से शैम्पू से धो लें, उसके बाद आपको ये पानी अपने बालों की लेंथ में अच्छे से लगाना है, जड़ों में इसको डालना है पानी को, और उसके बाद 5 मिनट तक आपको ऐसे ही छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर से आपको नॉर्मल वाटर से आपको अपने बाल साफ कर लेने हैं, यानी कि उसके बाद आपको शैम्पू को इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप स्प्रे बॉटल में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बालों को जब शैम्पू से अच्छी तरह धो लें आने के बाद आप अपने बालों को इसको स्प्रे कर सकते हैं और पूरी ओवरनाइट ऐसे ही रख सकते हैं ताकि आपके बालों की जड़ों में अच्छे से पहुंच जाए और आपके बाल स्वस्थ लंबे घने मोटे मजबूत हो जाए। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आज का नुस्खा, या आप इसे वीक में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे वीक में इस्तेमाल करना होगा जिससे आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप आपको पसंद आएगी, तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई आपकी वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।